अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो है हमारा टर्की का लास्ट व्लॉग है और हम लोग कल सुबह जो है वो उम्रा करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। और आज हम लोग जाने वाले थे हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क, और हमें जो है वो ग्रैंड बाज़ार भी जाना था क्योंकि वो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट डे के लिए रखी थी। तो हम लोग प्रिंसेस आइलैंड से जब फ्री हुए तो हम लोग लेट हो गए थे, हम 6 बजे पहुँचे और 6 बजे जो आया सोफिया तो बंद हो जाता है तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए। तो जी गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी वॉक करके ब्लू मॉस्क की तरफ, और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे जो है पूरी शॉपिंग स्ट्रीट बनाई हुई थी जहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिल रही थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग अच्छी और प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग अगर कभी ब्लू मॉस्क जाएँ तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा यहाँ पे इस शॉपिंग स्ट्रीट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी शॉपिंग है। तो जी गाइस, आप जैसे देख सकते हैं हम लोग ब्लू मॉस्क पहुंच गए हैं, लेकिन जब हम ब्लू मॉस्क के अंदर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। और फिर हमने बस नमाज़ पढ़ी और फिर हम बाहर आ गए और हमने हाया सोफिया देखी। वो भी हमने बाहर से ही देखी, हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो चुका था जब हम पहुँचे तो। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, हमने पिक्चर्स बनवाई और फिर हम लोग ग्रैंड बाज़ार चले गए। फिर हम लोग जो है यहाँ पे एक टर्किश डिलाइट्स लेने गए थे क्योंकि हमारा लास्ट डे था टर्की में, और टर्की आप लोग जाएं और टर्किश डिलाइट्स ना लें तो फिर आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट रहती है। तो हमने जो है वो कुछ यहाँ से टर्किश डिलाइट्स ली थी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा गाइस, अब हम आ गए हैं ग्रैंड बाज़ार। अब मैं आपको अंदर जा के दिखाती हूँ। ये बड़ा पुराना सा और वो सीधा सा बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी शॉपिंग की जगहें हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है हर चीज़ में, चाहे वो कपड़े हों चाहे कुछ भी हो। अभी भी लग रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जी गाइस, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी, अगर आप ग्रैंड बाज़ार कभी भी जाएँ तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, हर किस्म की बहुत वैरायटी है हर चीज़ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर चीज़ डबल प्राइस पर है। अगर आपको आप किसी और लोकल मार्केट जाएंगे या कहीं और से ख़रीदेंगे तो आपको बहुत ख़रीदेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ डबल प्राइस में है। तो जी गाइस, हम लोग जो है वो ग्रैंड बाज़ार से फ्री हो गए थे, वापस जाने हमें पैकिंग करनी थी सारा सामान, क्योंकि कल सुबह की हमारी फ्लाइट थी। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए, हम इस्तांबुल से जद्दा जा रहे हैं। अभी बस चेक इन स्टार्ट हो गई है, मैं आपसे प्लेन में बैठ कर मिलती हूँ। लेकिन हमें पता है कुछ तरीका है। सब लोग जो है वो प्लेन में बैठ गए थे और उसके बाद जो है यहाँ से हमने जो है वो नियत करनी थी अपने उम्रे की, क्योंकि टर्की जो है वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा करीब है जद्दा से। तो जो है हमें बस थोड़ा सा टाइम लगा और हम लोग जो है वो 3 घंटे बाद ऑलमोस्ट लैंड हो गए थे सऊदी अरब में।
और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी थी मौसम, बिल्कुल जैसे टर्की में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, यहाँ पे उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म मौसम था। तो गाइस अब हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और हम लोग जा रहे हैं बैगेज क्लेम की तरफ। जी गाइस हम लोग एयरपोर्ट से निकलने के बाद बस में आके बैठ गए थे जो हमें जद्दा से मक्का लेके जाएगी। बस के हम मक्का पहुंच गए हैं। कुछ देर में हम होटल भी पहुंच जाएंगे। तो जी गाइस हम लोग जो है वो होटल पहुंच गए थे और होटल पहुंचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए हम गए कुछ खाने के लिए, और खाने के बाद हम लोग गए मस्जिदुल हराम। और देख सकते हैं मौसम जो है वो रात में थोड़ा अच्छा हो गया था लेकिन जब हम वहाँ पे लैंड हुए थे तो उस वक्त काफ़ी गर्मी थी लेकिन रात में मौसम अच्छा हो गया था। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ, काबा की तरफ, और अभी भी जो है वो सारे 1 बज रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा रौनक है। सारे लोग जो है वो आप देख सकते हैं जा रहे हैं अभी भी इस टाइम पे भी उम्रा करने। चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें और मेरे सारे व्लॉग्स को पूरा देखें। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।